नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल टेक मोबाइल। दोस्तों आप लोगों का आज का नया वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आप लोगों को केडी जो है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो अगर आप लोग पूरा देखेंगे, एक भी सेकेंड के लिए स्किप नहीं करेंगे, तो मिनिमम मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोगों का 1.50 का केडी रहेगा, यानी कि देर का केडी आप लोगों का कन्फर्म रहेगा। आप लोगों का खेलने का ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे कि ये सुनेंगे वैसे आप लोग बिल्कुल फॉलो करके खेलेंगे तो आप लोगों का 2 या फिर 3 का केडी भी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए पहले मैं मेरा केडी दिखा देता हूँ, मेरा जो केडी है वो कैसा है अभी और पहले कैसा था। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो अभी मेरा जो है 3.29 का है। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा प्रो प्लेयर बन गया हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा केडी है, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ मेरा पहले 0.8 0.9 ऐसा था। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसा मेरा पहले का केडी है। तो देख सकते हो ये करंट सीजन है 3.29 है, इसका पहले का सीजन मैं दिखा देता हूँ। इसका पहले का सीजन में भी 3.29 है, ये छोड़िए ये ज़्यादा मैच नहीं खेले थे, ये देख लीजिए, देखिए ये 0 केडी है, एक मैच ही नहीं प्ले करे थे। ये देखिए 1.33 का केडी है, ये थोड़ा पहले का दिखा देते हैं जिसमें ज़्यादा खेले हैं। देखिए 499 प्ले किया है, 1.93 का केडी है, या फिर C1S1 में दिखा देते हैं 442 में 132 केडी। तो उस हिसाब से दोस्तों अभी थोड़ा जो है इम्प्रूव हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, आप लोगों का कॉन्फर्म है कि थोड़ा बहुत आप लोगों का केडी बढ़ेगा। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों को चाहिए वो है एक हेडफोन। जी हाँ दोस्तों, एक ईयरफोन चाहिए आप लोगों का, वो भी वायर्ड ईयरफोन चाहिए, वायर्ड ईयरफोन या फिर वायर्ड हेडफोन होने से भी चलेगा, क्योंकि ब्लूटूथ वाला सिस्टम में थोड़ा लेट में आवाज़ आता है, क्योंकि जब एनिमी आता है उसके 10-5 सेकेंड 2 सेकेंड ऐसा बात आपका लेफ्ट साइड राइट साइड में सुनाई देता है कि एनिमी आ रहा है। उसके बाद चाहिए आप लोगों का कनेक्शन एकदम प्रॉपर, कि नेट थोड़ा स्पीड होना चाहिए। उसके बाद जो मेन ट्रिक है, तो दोस्तों देखिए आप लोगों का नया मैप आ चुका है, उसको खेलना पड़ेगा आप लोगों को। नया मैप जो नुसा है, हम लोगों का नुसा है, उसको आप लोगों को पहले से खेलना पड़ेगा। नुसा में देखिए 31 या फिर 30 ऐसा कुछ प्लेयर आता है, तो 31-30 प्लेयर आता है और बहुत ज़्यादा रास होता है, एक बार रिकॉल भी मिल जाता है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर आप लोग मर जाते हो उतरते ही, तो आप लोगों को रिकॉल ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये दोस्तों बहुत बड़ा चांसेस होता है, पहले बार आप लोग उतरो, 1-2 किल करो, फिर आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सेफ खेल लो, खेल के और 2-3 किल कर लो आराम से, आसानी से एक मैच में 3-4 किल दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था पहला ट्रिक्स, और दूसरा ट्रिक्स आप लोग लिविक खेलो, लिविक खेलो, लिविक में भी बहुत कम बंदा आता है, 50 जन जैसा आता है। लिविक भी छोटा मैप है, उसमें भी रास हो सकता है, उसमें रिकॉल नहीं है शायद, लिविक मैं नहीं खेलता हूँ, तो उसमें आप लोग खेलो, उसमें भी बंदा बहुत है, थोड़ा थोड़ा सेफ खेल लो, सेफ खेलने से आप लोगों को जो है किल ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों किल करने वक्त आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप लोग कवर में होना चाहिए, आप लोगों को कवर में रहना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए पेड़ का पीछे या फिर पत्थर के पीछे रह के फिर आप लोग किल लेके मार सकते हो। पीछे से कोई बंदा अगर मार दे तो दोस्तों वो आप लोगों का कोई गलती नहीं है, पीछे से जो मारता है वो कैंप करके रहेगा, अगर पीछे से मार देगा वो बात तो दोस्तों आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो कैंपर लोग करते हैं। तो आप लोगों को ऐसा करना है कि घर में जाके, घर में थोड़ा कवर लेके आप लोगों को खेलना है, कवर में, और हेडफोन पहन के खेलना है, ताकि आप लोगों का सामने अगर एनिमी आ जाए तो आप लोगों को पता चले। बिना हेडफोन के खेलेंगे तो आप लोगों का सामने एनिमी आ जाएगा, एनिमी आके मार देगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और दोस्तों बात रहा एरंगेल का, एरंगेल में दोस्तों आप लोग खेलेंगे तो दोस्तों थोड़ा रैंक पुश करने का कोशिश कीजिए, शेल्टर वगैरह पे उतरिए, शेल्टर जिधर जिधर से प्लेन जाता है उधर से बहुत दूर उतरिए, 3-4 बॉट तो दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। तो दोस्तों बॉट मारिए, सबसे बेस्ट वे है ये, बॉट मारिए दोस्तों, केडी बढ़ाइए। तो दोस्तों ये था कुछ ट्रिक्स मेरे हिसाब से जो आप लोगों का केडी बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो समझ में आ गया है, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है दोस्तों ये वीडियो, तो दोस्तों लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे।